ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज़ द टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज। ध्यान जो है उसका पूरा स्वीकार है, टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज, सिंपल एंड प्रोफाउंड। ध्यान की जो स्थिति है, अवस्था है, उसके बारे में सूत्र बहुत ही सरल और स्पष्ट ढंग से बात कहता है। जो है उसका पूरा स्वीकार, यानी इस क्षण में अपनी तरफ से किसी बहुत बदलाव की चेष्टा नहीं, कोशिश नहीं। क्या बदलेंगे, हमको पता ही क्या है कि क्या बदलना चाहिए, तो बेहतर यही है कि उसे पूरा स्वीकार किया जाए। और ये स्वीकार रूपांतरण लाता है। इस स्वीकार से जो रूपांतरण घटता है वो अपने आप में गहरा दिव्य घटनाक्रम होता है, अलौकिक, अस्तित्वगत। लेकिन जब व्यक्ति स्वीकार नहीं करता और अपने ढंग से कुछ बदलना चाहता है तो अपने ढंग से बदलता है, ये समस्या व्यक्ति की बहुत गहरी है। और यहीं से पैदा होते हैं वो समाज सुधारक भी, वो गुरु भी, जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा स्वीकार नहीं करते, उसको कुछ और बनाना चाहते हैं। हर कोई समाज में व्यक्ति को कुछ और बनाना चाह रहा है, और अपनी धारणा के हिसाब से, अपने अपने कंसेप्ट के हिसाब से तुम क्या और बनाओगे। अगर प्रकृति में हम देखें तो उसका एक इनबिल्ट विजडम का प्रोसेस है जो इवोल्यूशन में जाता है। इसीलिए मनुष्य कदम कदम पर हैरान होता है कि वो उसने ऐसा नहीं सोचा था लेकिन ऐसा हुआ। अस्तित्व विकास की यात्रा में है। विकास किसी भी तल पर हो सकता है, उसके अनलिमिटेड डायमेंशन हो सकते हैं। और अस्तित्व का विकास पूरे स्वीकार में चल रहा है, जो है उसके विरोध में नहीं चल रहा है। तो किसी भी मेडिटेटर के लिए ज़रूरी यह है कि पहले तो वो अपने जीवन को, दूसरों के जीवन को, अपने परिवेश को बहुत सजगता से देखे, इंटेंस अवेयरनेस से देखे, और अपने ढंग से उसको बदलने की चेष्टा छोड़ दे, जागे, उसको स्वीकार करे। और उस जागरण से, स्वीकार से ही उसको अंतर्दृष्टि मिलेगी, या उसको एक नेचुरल पुश मिलेगा, धक्का मिलेगा, जो उसको रूपांतरित करने में सहयोग देगा। लेकिन अगर रूपांतरण का कोई कंसेप्ट लाएगा व्यक्ति, इस ढंग से रूपांतरित होना चाहिए, तो जो है उसका स्वीकार नहीं होगा, उसके साथ भी संघर्ष हो जाएगा, उसके साथ एक उलझाव हो जाएगा, और फिर सारी चीज़ें उलझ कर रह जाती। चारों तरफ जो सारा परिदृश्य उलझा हुआ हमें दिखाई देता है वो इसी कारण से, क्योंकि ये टोटल एक्सेप्टेंस नहीं है। अलग अलग विचारों की नहीं है, अलग अलग भावनाओं की नहीं, अलग अलग अभिव्यक्तियाँ तो अस्तित्व की सहजता है, मौलिकता है। लेकिन तुम देखो, एक धर्म आ जाए तो वो चाहेगा कि इसी ढंग से सब लोग हों, कोई राजनीतिक विचारधारा आ जाए तो वो चाहेगी इसी ढंग से सब कुछ। व्यक्ति अपने ढंग से ही सब कुछ कर देना चाहता है, अपने ही रंग में सब रंग देना चाहता है। लेकिन सूत्र कहता है कि ध्यान अपने रंग में रंग देना नहीं है, ध्यान तो अस्तित्व के रंग में रंग जाना है। या इसको ट्रेडिशनल लैंग्वेज में अगर कहें, पारंपरिक भाषा में, परमात्मा को अपने रंग में रंगो, ये तो व्यर्थ है। स्वयं परमात्मा के रंग में रंग जाओ, वो जो विराट है उसको अपने ऊपर उतरने दो, ना कि अपने ढंग से, अपनी किसी धारणा से उसको सीमित करो। और ये पूरे जीवन पर लागू होने की बात है। और जैसे ही पूरे जीवन के प्रति टोटल एक्सेप्टेंस की अंतर्दृष्टि, समग्र स्वीकार की अंतर्दृष्टि पैदा होती है, रूपांतरण इतनी सहजता से घटता है कि व्यक्ति को भरोसा भी नहीं होता, क्योंकि रूपांतरण जीवन का स्वभाव है, विकास जीवन का स्वभाव है।
वो आता ही है, वो घटता ही है।